नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत एक अखबार से एक आर्टिकल जो है जो सभी स्टूडेंट के बीच यहां पे तेजी से वायरल किया जा रहा है, और इसको लेकर बहुत सारे छात्र जब से ये आर्टिकल वो लोग पढ़े हैं ना, तब से बहुत सारे छात्र का प्रिपरेशन छूट गया है। कोई छात्र जो नया नया यहां पे तैयारी कर रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें या फिर नहीं करें। मतलब यूं ऐसा समझ लीजिए कि लाखों छात्रों का जो उम्मीद है वो यहां पे धीरे धीरे करके यहां पे खत्म हो रहा। बहुत सारे छात्र का ये भी डाउट है कि क्या आने वाला जो वैकेंसी है उसमें हम फॉर्म भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे। तमाम तरह जो उनके मन में डाउट है वो चल रहा है पार्टिकुलर एक अखबार का आर्टिकल के कारण। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया गया है कि रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश, यहां पे एक अखबार के आर्टिकल में आपको ये बताया गया है। तो बहुत सारे छात्रों के मन में डिफरेंट डिफरेंट सवाल आ रहा और बहुत सारे छात्रों का क्वेरी आ रहा था कि इसके रिगार्डिंग क्या है, पूरा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करिए। तो डियर, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आर्टिकल जारी किया गया है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का कर रहे हो, ग्रुप डी का कर रहे हो, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा ताकि कोई आप लोगों से इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने के चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पर देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया है, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, और ये 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में जितने भी सवाल आए थे टोटल इसमें 1 से लेके 60 सेट तक आपको यहाँ पे दिया गया है। टीसीएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो 2021 में आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 एग्जाम हुआ था, सारा पेपर आपको इसमें सिंगल बुक में देखने को मिलता है। ये जो बुक है आपको हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे वायरल आर्टिकल जो आप लोगों के सामने निकल के आ रहा, पार्टिकुलर इसका पूरा डिटेल से आप लोगों के बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो यहां पर बताया गया है रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश। ये कहां से निकला है, तो ये आपका रांची के अखबार के माध्यम से ये जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पे बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची रेल मंडल को 50% नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश दिया है। कितना परसेंट? 50% नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फरमान नॉन सेफ्टी कैटेगरी की नियुक्तियों के लिए रेलवे की ओर से जारी किया गया है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी की तरफ से यह जो भर्ती का आपका जो नोटिस है वो जारी किया गया है। आगे इसमें आपको बोला जा रहा है कि रेलवे के जोनल मुख्यालय के इस फरमान से रांची मंडल के कर्मियों में हड़कंप मचा है। आदेश रांची के अलावा चकरदरपुर, खड़गपुर और आद्रा रेल मंडल को भी दिया गया है। आदेश दक्षिण पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधक अनूप शर्मा ने जारी किया है। उसके बाद बोला जा रहा कि इस आदेश के बाद अब नॉन सेफ्टी कैटेगरी की आधी नियुक्तियां समाप्त हो जाएगी। इधर मंडल के CPRO नीरज कुमार ने कहा कि अभी तत्काल कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया है कि यहां पे जो आपका पूरा मंडल के जो CPRO हैं वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, उधर रेलवे के आदेश पर रेलवे मेंस कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। तो इसको लेकर सभी छात्रों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन बचा हुआ है। बहुत सारे छात्रों ने तो उम्मीद भी छोड़ दिया है तैयारी को लेकर। तो देखिए साथियों, बाद में क्या होगा वो बात की बात है। अभी आप लोगों को पता है कि आपका नॉन स्टॉप ALP भर्ती का नोटिफिकेशन आया, भले ही पोस्ट कम रिलीज किया गया, हालांकि रेलवे में अभी लाखों के तादाद में पद खाली है, फिर भी यहां पे रेलवे जो है कम पोस्ट पर यहां पे वैकेंसी निकाल रहा। एग्जांपल आप लोग ALP का देख लीजिए, टेक्नीशियन का देख लीजिए, RPF देख लीजिए, RPF SI कांस्टेबल मात्र उसमें 4660 पोस्ट रिलीज किया गया है। तो इसी तरह आगामी जो भी भर्ती है उसमें आपको कम वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कहने का तात्पर्य यह है कि अपना प्रिपरेशन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, जितना भर्ती आ रहा, अब मान लीजिए ALP में 5696 पद आए, तो क्या छात्र फॉर्म अप्लाई नहीं किए? क्या आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए? जरूर किए ना। तो उसी तरह जो भी आगामी भर्ती आएगा उसमें भी आपको आवेदन करना है। बस आपको ये सोच लीजिए कि ये जो 56 भर्ती आ रहा, 5696 भर्ती, ALP का बात कर ले, टेक्नीशियन का बात करें, या फिर जो भी अपकमिंग भर्ती रेलवे में आने वाली है, उसी में से आपको अपना एक सीट पक्का करना है। तो प्रिपरेशन इतना हाई लेवल का होना चाहिए ताकि आप लोगों से आपका एक
सीट जो है कोई भी छीन ना सके। बाकी इन सभी मुद्दों पर ये जो अखबार का आर्टिकल आ रहा है, न्यूज में बताया जा रहा है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिपरेशन पे होना चाहिए, इसके अलावा और भी कहीं आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना भी इधर उधर ध्यान देगे, जितना भी इधर उधर भाग दौड़ करोगे, बस आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा और कुछ नहीं। और जितना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा उतना आपका प्रिपरेशन प्रभावित होगा। याद रखिए कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपके जगह पे कोई और प्रिपरेशन करके और आप देखते रह जाओगे और अगला जो है छात्र वो अपना एग्जिट पक्का कर लेगा। तो इन सभी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी छात्र पर्टिकुलर इस आर्टिकल के माध्यम से भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका परेशानियों को दूर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।